नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, MRFA डील के तहत यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने भारत के लिए रणनीति में बदलाव की योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीडियम मल्टीरोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट हासिल करने की भारत की लंबे समय से प्रतीक्षा योजना में इस साल के अंत में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से कार्यक्रम के लिए आवश्यकता की स्वीकृति A1 प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संपर्क करने की उम्मीद है, जो आवश्यकता स्थापित करेगा और बजट मंजूरी सुरक्षित करेगा। दोस्तों, इसके बाद खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव मतलब RFI जारी की जाएगी। दोस्तों, पिछले MRCA टेंडर में यूरोफाइटर टाइफून डसॉल्ट राफेल के साथ एकमात्र अन्य विमान था जो भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित सभी तकनीकी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT मापदंडों को पूरा करता था। अंततः डसॉल्ट राफेल यूरोफाइटर टाइफून की कीमत के कारण विजेता के रूप में उभरा, हालांकि बाद में डसॉल्ट की कीमत के बराबर की पेशकश की गई। दोस्तों, मामले से परिचित अंदरूनी सूत्रों ने IDRW को बताया है कि यूरोफाइटर टाइफून टोटल अवेलेबिलिटी एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप ने भारतीय सौदे के लिए लागत पहले ही 30% कम कर दी है, जो 35% से अधिक होने की संभावना है। चूंकि जेट को कहीं और बड़े अनुबंध मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए मेजबान देशों ने अपने बेड़े से पुराने Trench 1 विमानों की शीघ्र सेवानिवृत्ति शुरू कर दी गई है और 2040 तक इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। भारत के लिए पेश किया गया संस्करण Trench 4 है, 2030 तक उत्पादन जारी रखेगा। हालांकि भारतीय सौदे में उत्पादन लाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो इसे यूरोप में भारत में स्थानांतरित करेगा। यह कदम भारतीय कंपनियों को यूरोफाइटर टाइफून के मौजूदा ऑपरेटर को सेवाएं प्रदान करने के अधिकार और क्षमताएं भी प्रदान करेगा। दोस्तों, भारत को विमान की कई प्रमुख टेक्नोलॉजी के लिए इंडस्ट्रीज ट्रांसफर TOT तक पहुंच प्राप्ति होगी, जिससे देश को मूल उपकरण निर्माता OEM के समर्थन के साथ या उसके बिना स्वतंत्र रूप से आगे के अपग्रेड की योजना बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत के साथ शुरुआती सौदे के विजेता डसॉल्ट, जिसने अंततः 36 राफेल जेट की आपूर्ति की, को अब संभावित बड़े ऑर्डर के लिए पर्याप्त छूट की पेशकश की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सौदा जीतने के बाद से डसॉल्ट ने दुनिया भर के कई ऑर्डर हासिल किए हैं, जो महत्वपूर्ण मूल्य कटौती प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित कर देता है। हालांकि कंपनी आगामी फाइटर जेट अनुबंध के लिए एक मजबूत दावेदार बनी हुई है, विशेष रूप से 2030 के दशक की शुरुआत तक F4 और F5 स्टैंडर्ड के तहत प्रमुख अपग्रेड की योजना के साथ है। दोस्तों, भारत डसॉल्ट राफेल के लिए सोच रहे हैं और डसॉल्ट राफेल भारत के लिए एक मजबूत दावेदार है और 2030 तक वो भारत के लिए F4 और F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, मतलब उनको F5 और F4 में अपग्रेड करेंगे। और दोस्तों, ये भी एक नुकसान है भारत को कि भारत की वजह से ही डसॉल्ट राफेल को बाकी सभी ऑर्डर मिले हैं। भारत को 36 राफेल देने के बाद ही डसॉल्ट राफेल को सारे ऑर्डर मिले हैं। पर दोस्तों, राफेल को इतने ऑर्डर मिलने के बाद राफेल के जो विमान में कटौती होती है वो करने के लिए तैयार नहीं, वो सीमित हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जिस भी कंपनी से अधिक सामान खरीदा जाता है या हथियारों की कई कंपनी है उससे हथियार अधिक देश खरीदते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से दोस्तों, उनकी कीमत भी कम नहीं हो पाती, क्योंकि ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो चीज़ की कीमत कम नहीं होती, उल्टा बढ़ा दिया जाता है उसकी कीमत को। इसलिए दोस्तों, राफेल से 114 फाइटर जेट खरीदने के लिए राफेल इतनी कीमत कम करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले दोस्तों, भारत यूरोफाइटर टाइफून खरीदने वाला था, डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों ही दौड़ में थे। पर उस समय दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून ज़्यादा महंगा था और डसॉल्ट राफेल ने यूरोफाइटर टाइफून के बराबर कीमत कर दी अपनी। इस कारण से भारत ने डसॉल्ट राफेल को चुना और डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून में सारी कैपेबिलिटी और क्वालिटी बराबर हैं। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून भी सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं और वो भारत में निर्माण करने को भी तैयार हैं। वो भारत की सारी शर्तें मानने को तैयार है। उसका कारण है कि दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून को इतना कोई ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए यूरोफाइटर टाइफून को केवल एक देश इंग्लैंड नहीं बनाता, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री मिलकर इस यूरोफाइटर टाइफून को बनाती है और इसमें पार्टनर है। इसलिए दोस्तों, उन सभी देश ने पूरा जोर लगा लिया पर यूरोफाइटर फाइटर जेट को खरीदने में पूरी दुनिया में सब तरफ से वो नाकाम रहे। पर दोस्तों, अब उनकी इच्छा है कि वो भारत को 114 यूरोफाइटर टाइफून बेचें, इसलिए दोस्तों वो 30% कीमत कम करने के लिए तैयार है। और भारत ये सोच रहा है कि उन पर ज़्यादा प्रेशर डाले तो वो 35% तक छूट कर देंगे भारत के लिए। अगर भारत को कम कीमत में यूरोफाइटर टाइफून मिलते हैं तो भारत यूरोफाइटर टाइफून खरीदेगा। डसॉल्ट राफेल अच्छा विमान है, वो भारत की सारी कैपेबिलिटी और क्वालिटी पर खरा उतरता है। पर दोस्तों, अगर उतनी ही क्वालिटी पर कम कीमत पर हमारे को जो फाइटर जेट मिलेगा उसी को तो हम लेंगे। F-35 की कीमत के बराबर हमारे को राफेल जेट पड़ता है, जबकि वो 5th generation फाइटर जेट नहीं है और F-35 5th generation है। वैसे क्वालिटी में F-35 के बराबर है, फिर भी दोस्तों उसको अपग्रेड करने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी 5th generation की डाली जा रही है, फिर भी राफेल जेट की कीमत
कीमत अधिक है। वैसे यूरो फाइटर की भी कीमत अधिक थी जिस समय हमने राफेल खरीदा, पर यूरो फाइटर को किसी भी कंट्री के देश ने अभी तक खरीदा नहीं है। इसलिए दोस्तों वह सारे देश भी उनके जो यूरो फाइटर फाइटर जेट खरीद रखे हैं टाइफून, उनको जल्दी से रिटायर कर रहे हैं ताकि वो दूसरे फाइटर जेट को और ऑर्डर दे सके और उनकी कंपनियों को काम मिले। और वो भारत के 114 लड़ाकू विमान अगर एक मुफ्त खरीदता है तो वो भारत को देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि उसमें रोल्स रॉयस का इंजन लगता है। वो भी अगर भारत मांगे कि रोल्स रॉयस के इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे हमारे को 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका में आवश्यकता है, तो इधर से हमारे पास F414 इंजन हो जाएगा और उधर से रोल्स रॉयस के इंजन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून का जो इंजन है उसमें उपयोग आता है, उसकी थ्रस्ट दोस्तों राफेल फाइटर जेट से बहुत अधिक है, इसलिए भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। दोस्तों भारत अब यूरो फाइटर टाइफून खरीद सकता है। उसका कारण है कि उसकी कीमत दोस्तों अब कम हो गई है और वो सारी क्वालिटी वही देता है जो डसोल्ट राफेल हमारे को प्रदान करता है। और दोस्तों इस फाइटर जेट ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में युद्ध को अंजाम दिया था और बहुत सारे आतंकी संगठनों को समाप्त किया था। उसमें दोस्तों इसने अपनी स्टेम शोडो मिसाइल का उपयोग किया था। दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान यूरोपीय एरोस्पेस फर्म यूरो फाइटर GMBS द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये रॉयल एयरफोर्स RAF द्वारा संचालित हैं और 2003 में सेवा में है। टाइफून लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर युद्ध संचालन में सक्षम है और Mach 2 की गति तक पहुंच सकता है। दोस्तों विमान की मल्टीरोल या वर्सेटाइल क्षमताओं से दुश्मन की हवाई सुरक्षा को रोकना और दबाना, नज़दीकी हवाई सहायता और समुद्री गश्ती मिशन शामिल हैं। इसके सेंसर और हथियार का उन्नत सेट इसे सभी मौसम स्थितियों और विभिन्न परिदृश्यों में संचालित करने की अनुमति देता है। विमान में रोल्स रॉयस EJ200 आफ्टरबर्नर टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है और इसके सामने की ओर कैनार्ड के साथ एक बड़ा स्वेप्ट विंग है। पंख अतिरिक्त लिफ्ट प्रदान करने में सक्षम है जो इसे उच्च ऊंचाई और गति तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके मुख्य हथियारों में से 27 मिलीमीटर माउजर तोप और 8 अंडरविंग हाई पॉइंट शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और बमों को ले जाते हैं। टाइफून द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और जवाबी उपाय भी किए जा सकते हैं। दोस्तों टाइफून विमान में जो स्टेम शैडो मिसाइल लगती हैं वो बहुत ही खतरनाक और एक प्रकार की स्टेल्थ मिसाइल है। और जो दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून MK4 है इसी वर्जन को भारत को पेश किया जा रहा है और इस वर्जन को दोस्तों 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ इसको अपग्रेड किया गया है। और दोस्तों जर्मनी, इटली, स्पेन और इंग्लैंड ये चारों कंट्री ने मिलकर या चारों कंट्रियों की कंपनियों ने मिलकर इस फाइटर जेट को बनाया है और ये चारों देश इसका इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी जैसी ताकतवर कंट्री इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और अपने लिए बनाया है, तो आप सोच सकते हैं कि यूरो फाइटर टाइफून को कितनी क्वालिटी से बनाया होगा। रशियन फाइटर जेट और जो यूरोपीय फाइटर जेट है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जिस प्रकार से राफेल फाइटर जेट है वो दोस्तों सबसे खतरनाक और एक बेहद वर्सेटाइल फाइटर जेट हैं, उसी प्रकार से यूरो फाइटर टाइफून है। कई मामलों में तो यूरो फाइटर टाइफून राफेल फाइटर जेट से बेहतर है। दोस्तों राफेल फाइटर जेट की गति 1.4 मैक है दोस्तों, जबकि इसकी गति 2 मैक है, मतलब ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ सकता है। इसकी स्पीड ही इसकी ताकत है। दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर विमानों में से माना जाता है। यह एक 4-प्लेन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर डिफेंसिव एड्स सब सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें 27M की गन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी सहित कई देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिशत है कि इसको जिसे कोई रडार की कंपनी है तो उसने रडार विकसित किया है, रोल्स रॉयस है तो उसने इंजन विकसित किया है, लियोनार्डो है तो उसने दोस्तों बॉडी विकसित की है। मतलब सभी कंपनियों ने मिलकर अपना अपना काम बांट लिया और सभी में ये दोस्तों मास्टर पीस है कंपनियां। जैसे रोल्स रॉयस इंजन बनाने में पूरी दुनिया में सबसे सक्षम है और इसलिए अपने ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है और इसमें दोनों ताकतवर इंजन लगे हुए हैं जो दोस्तों इसके 2 मैक की गति रफ्तार प्रदान करते हैं। तो भारत को यूरो फाइटर टाइफून भी खरीद सकता है 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।